लोकसभा निर्वाचन 2024 में रीवा लोकसभा क्षेत्र की मतगणना निर्वाचन आयोग लोकसभा द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 4 जून को प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगी। मतगणना शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा में विधानसभावार बनाए गए 8 मतगणना कक्षाओं में की जाएगी। मतगणना केंद्र में सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहेंगे। पूर्व में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रेयस गोखले मतगणना तैयारियों की जानकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को दे चुके हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि उम्मीदवारों तथा प्रेक्षकों की उपस्थिति में प्रातः 7:30 बजे स्ट्रांग रूम खोले जाएंगे। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा मतगणना तथा स्ट्रांग रूम खोले जाने की लिखित सूचना उम्मीदवारों को दी जाएगी। स्ट्रांग रूम से मतगणना कक्ष तक ईवीएम ले जाने के लिए पृथक से दल तैनात किया गया है। इसके साथ ही प्रत्याशियों के आने जाने की व्यवस्था अलग से की गई है। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि मतगणना केंद्र के आसपास सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और अंदर आने जाने के लिए रास्तों का भी निर्धारण कर दिया गया है। चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर जो अपने यहाँ मतगणना का काम 4 तारीख को होना है उसके लिए जो तैयारियां वो अंतिम चरण में है। जो अपना मतगणना स्थल है इंजीनियरिंग कॉलेज रहेगा, वहाँ अपनी जो मतगणना के हॉल्स हैं वो सभी तैयार कर लिए गए हैं। बाहर से पार्किंग की जो तैयारियां की गई हैं, किस तरीके से किस गेट से किन रूम की एंट्री रहेगी उसकी तैयारियाँ पूरी हो गई हैं। सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट हैं उनको भी ये संज्ञान में लाया गया है कि पूरी प्रक्रिया क्या रहेगी, उनकी ट्रेनिंग भी हो गई है और उनको अपने जो काउंटिंग एजेंट्स बनाने हैं उसकी तैयारियां भी किस तरीके से बनाने हैं वो भी सबको बता दिया गया है। क्योंकि गर्मी का मौसम रहेगा इसलिए गर्मी के मद्देनजर वहाँ पर जो हेल्थ की टीम है वो पर्याप्त संख्या में रहेंगी, बाहर काउंटिंग एजेंट्स के लिए भी और अंदर जो टीम काउंटिंग में लगी होगी उसके लिए भी। इसके अलावा मीडिया सेंटर एक बनाया गया है जिसमें मीडिया और पत्रकार बंधुओं के बैठने की व्यवस्था रहेगी ताकि वो वहां से अपना कवरेज कर सके। काउंटिंग का जो वेन्यू है वहां पर मोबाइल फोन अलाउड नहीं रहेंगे, ये सभी को पहले से क्लियर है। तो इस तरीके से वहाँ क्लॉक रूम्स भी बनाए गए हैं। कुल मिलाकर के काउंटिंग की जो सुरक्षा व्यवस्था है, काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो 8 बजे से शुरू हो जाएगी। इन सभी चीजों को लेकर ये तैयारियां अंतिम चरण में, ये डिपेंड करेगा कि हमारे राउंड किस प्रकार से चल रहे हैं। 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, 8 बजे से पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू होगी और उसके साथ ही अपनी जो मशीनों की काउंटिंग है वो भी शुरू हो जाएगी। तो इसको लेकर के काउंटिंग के दिन को लेकर के ऐसा कोई विषय नहीं है और ऐसे कोई निर्देश भी नहीं।